शो तो आ रहा है बट जब आपने जैसे अभी बताया यू नो बचपन से ही आपने uh, चालू किया मैं जानना चाहता हूँ कि यही करना है तुम्हारा यही इसमें इसमें ही तुम जाओगे ऐसे कभी और कभी किसी ने फटकारा आपको अरे ये क्या कर रहे हो अगर फटकार दिया होता तो शायद मैं नहीं होता मैं आई वुड लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स मैं अपने माता पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं कई बार मुझे सवाल किया जाता है कि आप में लिखने का शौक कैसे पैदा हुआ और इसका जवाब मैं बहुत ईमानदारी से देना चाहता हूं कि मुझ में लिखने का शौक पैदा नहीं हुआ मैं पैदा ही ये शौक लेके हुआ था जैसे ही मैंने कलम चलानी शुरू की मतलब ये जब अक्षर ज्ञान होता है तभी से मैंने शुरू कर दिया था कार्टून बनाना था बहुत छोटे छोटे गाँव का पला बड़ा व्यक्ति हूँ मैं इतने छोटे गाँव जिनके नाम भी नक्शे पे आपको शायद नहीं मिलेंगे राजस्थान के उतने छोटे गाँव में पलता था और आज से करीब उस जमाने में चालीस पैंतालीस साल पहले तब तो कुछ भी नहीं होता था चार पाँच हज़ार की आबादी पंद्रह सौ की आबादी ऐसे गांव होते थे नौकरी पे चले जाते थे माता पिता तो मुझे घर में अकेला रहना पड़ता था स्कूल से आके तो मैगजीन्स हमारे घर में बहुत आती थी वो जिस विभाग में थे तो वहाँ मैगज़ीन्स जो है उनका विभाग ऐसा था कि उन्हें भी पढ़ना खूब होता था तो मैं अकेला होता था खाना खाता था तो पढ़ता था तो पढ़ने की आदत मुझ में रही तो फिर मैंने कहा एक दिन बीमार पड़ा तो कलम लेके लिखना शुरू कर दिया सितंबर उन्नीस सौ की बात है जब मैंने लिखा तो कुछ कविता नुमा था उसके पहले हालाँकि स्टेज पे मैं वैसे ही चला गया था एक दिन मैं मेवाड़ में मावली एक गांव में वहाँ रहता था और स्टेज पे कुछ सुना रहा था और बहुत भीड़ भीड़ थी और मैं अचानक ऐसे ही कोई एंकर के पास यूँ ही पहुँच गया आया मैं सात साल का रहा मुझे भी कुछ सुनाना है उसने इजाज़त दे दी दिखा आ जाओ और मैंने सुना दिया लोग हंसे तो बड़ा अच्छा लगा तो दस ग्यारह साल का मैंने कुछ कविताएँ लिखी और पिताजी को सुनाई तो उनका अरे तो बहुत बढ़िया कविता है उन्होंने मुझे निराश नहीं किया उन्होंने प्रोत्साहित किया और वहाँ से 38 किलोमीटर दूर एक गांव है सुमेरपुर वहाँ एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन हो रहा था वहाँ मुझे स्कूटर पर बिठा के ले गए निग्कर में मैं शर्ट पे और बीस पच्चीस हज़ार लोगों की भीड़ और कविता पढ़वाई मुझ बच्चे को और जब वो पच्चीस हजार लोगों की तालियां कानों में पड़ी तभी मुझे लग गया कि मेरा जीवन शायद यही है इसलिए न तो कोई फटकार थी ना किसी ने कहा कि तुम्हें कुछ बनना है उन तालियों की आवाज़ ने मुझे कहा कि शायद मुझे यही रहना है इस मंच पर रहना है क्या बात है सर वाह भाई वाह ये एक्चुअल में वाह भाई वाह हो गया